स्टार्ट। सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ जो आज फोर्थ डे है, तीन दिन का जितना भी हमने पढ़ा है सबने रिवाइज कर लिया है, और प्लान कैसे बनाना ये तो आ ही गया सबको। हाँ या ना, एक बार हाथ उठा दो यार प्लीज़। प्लान बनाने में जो कॉन्फिडेंट है हाथ उठा दो, वेरी गुड, नीचे रखो। प्लान के बाद मैंने एक और चीज़ दिया था आपको, एलिवेशन बनाना। ठीक, आपने शुरुआत कर चुका कि एलिवेशन कैसे बनाना है, क्लियर। आज मैं आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन से थोड़ा सा रूबरू करूंगा, स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग से, सॉरी। तो हेडिंग डालेंगे सब स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग, STRUCTURL, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग। ध्यान देंगे, ड्राफ्टिंग वर्ड, डिजाइनिंग वर्ड नहीं, ड्राफ्टिंग। ठीक है, हेडिंग लिख दिए सबने, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग। चलो ये तीन वर्ड का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ गाइस। सबसे पहला ये वर्ड आप सुनेंगे, ड्राइंग, सुना है सबने? एक वर्ड आपने सुना है ड्राफ्टिंग, ड्राफ्ट्समैन, ये वर्ड सुना है, और एक वर्ड और सुनेंगे आप डिजाइनिंग, सुना है सब? तीनों में ना माइनर माइनर सा डिफरेंस है, आज पहले इसको क्लियर कर देता हूँ फिर मैं आगे बताऊंगा। तो आप मुझे बताएं, ड्राइंग वर्ड क्या बोल सकते हैं? अ रफ, अ सिंपल रफ स्केच, है कि नहीं? जिसके लिए कोई डायमेंशन, कोई ज्यादा वो सब नहीं किया कि ज्यादा एकदम डायमेंशन लेके बना रहा हूँ, ये सब की जरूरत नहीं पड़ी, डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ी। रफ स्केच मतलब मान लो मुझे विष्णु का चित्र बनाना है, चित्र, तो मैंने क्या किया, पेन कॉपी यूज किया और बना दिया रफ स्केच, विष्णु कैसा दिखता वैसे ही बना दिया, कोई डायमेंशन नापा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसमें कोई टेक्निकल ड्राइंग्स की बात ही नहीं किया मैंने, नहीं बात किया, बस कोई भी रफ स्केच, डायमेंशन की जरूरत नहीं, दैट इज ड्राइंग। ड्राफ्टिंग, टेक्निकल ड्राइंग्स विथ प्रॉपर डायमेंशंस, है कि नहीं, विथ प्रॉपर डायमेंशनिंग, क्लियर है ये? ठीक। और एक तीसरा वर्ड है डिजाइनिंग, जिसकी शुरुआत मैंने कर दी थी दो दिन पहले ही, याद है मैंने एक सर्कुलर प्लॉट दिया था आप लोगों को, उसमें बोला था डिजाइन करके आओ। तो डिजाइन का मतलब होता है इनोवेशन, कुछ नया करना, समथिंग न्यू इज डिजाइन वर्ड, क्लियर है क्या? अगर मैं ये बोलूँ कि एक प्लॉट है आपके पास, वहां पे आपको डिसाइड करना है कि बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, ये सारी चीज, तो दैट इज डिजाइन। ठीक, लेकिन उसको आर्किटेक्चरल डिजाइन बोलते हैं। और अगर मैं बोलूँ स्ट्रक्चरल डिजाइन, गाइस ये वाला वर्ड भी आपको सुनने मिलेगा, डिजाइन में दो वर्ड ले रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन, ये वाला वर्ड ले रहा हूँ स्ट्रक्चरल डिजाइन, और एक वर्ड ले रहा हूँ आर्किटेक्चरल डिजाइन। तो ये दो वर्ड जो है ना, इस दो वर्ड को समझेंगे। स्ट्रक्चरल डिजाइन बोलने से बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग के अंदर जो रेनफोर्समेंट आते हैं ना, जो कॉन्क्रीट इस्तेमाल होता है ना, जितना साइज लिया जाता है, दैट इज डिजाइन। ठीक है, कि भाई लोड लगाया और डिसाइड किया कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में कितने रॉड आने वाले हैं, इस ये जो कंक्रीट यूज कर रहा हूं बीच में, ये कंक्रीट का ग्रेड कौन सा है, ये रॉड कितने डायामीटर का है, बात समझे? दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ये शेप कितना बड़ा होगा भाई, 250x400 होगा या 200x400 होगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। समझ आ गया सबको? Yes, पक्का? ठीक है, तो डिजाइनिंग का मर्ड एकदम क्लियर रखो कि इनोवेशन, इनोवेट करना है, न्यू करना है लोड के हिसाब से। ठीक, हाँ। तो आज मैं आपको स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग वर्ड से करवाता हूं। ड्राफ्टिंग मतलब क्लियर है ना, कि अब टेक्निकल स्ट्रक्चर ड्राइंग से डील करेंगे अपन, टेक्निकल स्ट्रक्चरल ड्राइंग से डील करेंगे। तो गाइस एक ड्राइंग मैं आपको आपके सामने बनाऊंगा, ये लिख लिए सबने? प्लीज लिख लेंगे जल्दी से जल्दी। पहले दिन तीसरे दिन हमने सेंटर लाइन लेआउट किया था गाइस। तो सेंटर लाइन लेआउट में जो ड्राइंग था, क्या आपके पास मौजूद है, किसी के पास है क्या? या डिजिटली तो होगा, निकालो सब, ओपन करो डिजिटली, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ओपन करेंगे सभी सेंटर लाइन प्लान। उसमें कुछ कॉलम का साइज दिख रहा था, कॉलम दिख रहा था, कुछ कॉलम का क्रॉस सेक्शन। मैं यहां पे अभी बीम बना रहा हूं, ये बीम मैंने बनाया, बीम दिख रहा है ये? ठीक, बीम में यहाँ पे रॉड होता है ना, देखते जाएंगे सब, यहाँ पे रॉड होता है, आगे बीबीएस में खूब समझ आएगा ये रेनफोर्समेंट के बारे में। गाइस टेंशन की बात नहीं है, बस यहाँ पे इमेजिन करो, यहाँ पे कुछ है, ठीक,
सेम, पीछे तरफ का हिस्सा भी थोड़ा सा, ठीक है। तो दो रॉड ऊपर दिख रहे हैं आपको, दो रॉड नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे ऐसा आगे आप लोग पढ़ेंगे, स्टीरअप्स बोलते हैं इसको, टाइज बोलते हैं इसको, शेयर रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसको, बहुत सारे नाम इसके। तो इमेजिन करो ये पूरा आपका बीम है, क्लियर है ये। अब सेक्शन वाला वर्ड क्लियर होता है सबको, सेक्शन वर्ड, ठीक। तो ध्यान से सुनना, मैं एक एरो ऐसे बनाता हूँ, एक ऐसो एरो ऐसे बना, ए ए करके लिखता हूँ, ठीक। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या, काटा कहाँ से, ठीक है। बीम इमेजिन करेंगे, ये देखो ये रिमोट है, एक बीम है, ये देखो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा बनाया मैंने बीम को। अब इसको मैं काट कैसे रहा हूँ, देखो इस तरीके से काटा, और काटने के बाद देखूंगा तो कैसे दिखता है, फ्रंट से अगर काटा तो काटने के बाद कैसे दिखता है देखना, इधर सब लोग देखना, ये फ्रंट का देखो, बस फ्रंट का सेक्शन देखो, ठीक, ऐसा दिख रहा है। और ये रॉड भी कट रहे हैं, ये चार रॉड कटेंगे, तो चार रॉड जब कटेंगे तो कैसा दिखेगा, अंदर पूरे रॉड दिखेंगे, दिखेगा, दिख गया। अब उसके बाद ये स्टीरअप भी बना ना, स्टीरअप भी दिखेगा, तो इसके बाहर आता है, आप बीबीएस के टाइम अच्छे से पढ़ेंगे, इस तरीके से पेरिफेरी में घूमता है और ये ऐसा घूमता है 135 के एंगल में, पढ़ाएंगे आपको, ऐसे दिखेगा गाइस, हाँ बोलो, यस बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ठीक। और ऐसे लिख के आएगा सेक्शन थ्रू ए ए, ऐसा लिखेगा, ठीक। इसको कौन सा सेक्शन बोलते हैं, अगर मैं ऐसा काट रहा हूं, मान लो ट्रांसवर्स बोलूं क्या, मैं ट्रांसवर्स काटते हैं ना, ये देखो ये जो दिख रहा है बीम को काटा, तो अगर ऐसा काटा तो ट्रांसवर्स, और लंबाई से काटा तो लॉन्गिट्यूडनल, ये पढ़ चुके आप लोग हाईवे में, याद करो हाईवे में काटा था हमने, ठीक। तो इस तरीके से आपने पढ़ा, और इसके बारे में डिटेलिंग होती है सब, अभी उस पर नहीं जाएंगे, बस ये समझे ये। और अगर मैं इसको, ये जो बीम ऐसा है, ऐसा दिख रहा है टेढ़ा, इसको ऐसे कर दूं, और अब मैं काटू, मतलब थोड़ा सा लेंथ वाइज बढ़ा दिया, ये देखो बीम, ठीक है। और एक दूसरा देखेंगे सब, ये सेक्शन की लाइन इस बार ऐसी है, ठीक। इमेजिन करो सब लोग, कैसे देखना है मेरे को, मैं बता रहा हूं ध्यान से, बीम को आधे हिस्से से काटा पहले मैंने, और किस तरफ देखा, उस तरफ, उस तरफ, तो कैसा दिख रहा है, तो बीम रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है भाई। अंदर के रॉड कैसे दिखेंगे मेरे को, ये देखो यहां से चालू हुआ रॉड यहां तक, यहां से चालू हुआ रॉड यहां तक, इतना दिखा। और ये जो स्टीरअप है वो ऐसा खड़ा खड़ा दिखेगा, ऐसा सीधा सीधा, इमेजिन कर लिए सब, क्या ये सही है, क्लियर है सबको, पक्का विजुलाइज कर चुके सही में, ठीक। तो ये ट्रांसवर्स काटा और ये लॉन्गिट्यूडनल काटा, तो ऐसा दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल ड्राफ्टिंग, समझ गए सब। और बस इसके बारे में डिटेलिंग करना है, तो जब बीबीएस समझ में आ जाएगा तो ये बहुत आसानी से क्लियर होगा कि रॉड ऊपर कितना है, नीचे कितना है, लेकिन बनाते कैसे, ये तो ऑटोकैड में करना पड़ेगा ना, तो बनता कैसे इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को कोर्सेज के बारे में समझा रहा था, तो एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर कैसे काम कर रहा है, फिर से सुनेंगे। स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने क्या किया कि पहले कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है उसका प्लान आर्किटेक्ट से लिया। तो सबसे पहला काम कौन कर रहा है, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट ने क्या किया, प्लान बनाया मस्त अच्छे से। आप सब अभी इमेजिन करो कि आप सब आर्किटेक्ट हो, तो आप G+10 बनाने वाले हो, एक प्रोजेक्ट आपको मिला G+10। तो आर्किटेक्ट ने क्या किया, G+10 की पूरी प्लानिंग कर ली, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ज़्यादातर सेम होते हैं, तो पूरा प्लानिंग कर ली और पूरा रेडी कर दिया। अब इसको सौंपा किसके पास, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के पास, और कोई अच्छा फेमस स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, इमेजिन करो आप लोग में से आगे चल के 4-5 साल बाद आप ही लोग बनने वाले कोई, तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर को सौंपा, और उसने क्या किया ना, उसने उसको सॉफ्टवेयर में डाला, मतलब वो जो प्लान है उस प्लान को पकड़ के, ऑटो कैड से पकड़ के उसने सॉफ्टवेयर में डाला। और सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ETABS यूज कर रहा है या स्टैट प्रो, कोई भी एक ETABS उसमें डाला और लोड लगाया। तो लोड कैसे लगता है, तो उसमें टेक्निक होता है कैसे लगाते हैं, लोड कहाँ से लेना है, तो IS 875 Part 1, IS 875 Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 ये पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है। ये सारा पढ़ा मैंने, वहाँ से लोड देखा कि भाई डेड लोड कितना आएगा, लाइव लोड कितना आएगा, सारा चीज़ देखा और अप्लाई किया, समझ गए। और अप्लाई करने के बाद जो डिज़ाइन के क्राइटेरियाज है कि M25 का ग्रेड लग रहा है, स्टील लग रहा है 415 या 500 या 550, उसको लगाया,
और भी डिटेल डाला, क्लियर है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहा हूं सब मैं, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और किया उसके बाद रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट निकाला तो रिजल्ट दो फॉर्म में निकलेगा, दो फॉर्म में, ध्यान से सुनना। पहला फॉर्म है रिटर्न वाला, मतलब उसमें लिखा रहेगा पूरा कि चार बार पांच बार टॉप में लग रहा है, बॉटम में लग रहा है, सारा लिखा रहेगा। या फिर दूसरा फॉर्म है डिजाइन, सॉरी ड्राइंग, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग, बोलते हैं इसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग बोले। और ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, एकदम परफेक्ट निकाल के नहीं देता, रिजल्ट सही दिया लेकिन परफेक्ट उसको रीडेबल नहीं बना पाया, रीडेबल, क्या नहीं बना पाया, रीडेबल, पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य बनाने के लिए स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन को रखा जाता है। बात समझ आ गई, स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन को कब रखा जा रहा है, रीडेबल बनाने के लिए ड्राइंग को। तो सॉफ्टवेयर ने जैसा तैसा रिपोर्ट निकाल के दिया, अब स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन का काम है कि उसको अच्छे से थोड़ा नॉरिश किया और बेहतर ढंग से रीडेबल बनाया, और उस ड्राइंग को सौंपा जाता है साइट इंजीनियर को, और फिर वो साइट इंजीनियर क्या काम कर रहा है गाइस, उससे एग्जीक्यूशन का काम करवा रहा है। समझ में आ गई पूरी कहानी, ये है प्रोसेस, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। तो अगर इसको अगर कभी आपको फ्यूचर में ऑटोकैड में बनाना हो, आप खुद का काम करने वाले बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे, आगे सॉफ्टवेयर भी ले लेंगे, सॉरी लाइसेंस भी ले लेंगे, तो सब आप खुद ही कर लेंगे, तो खुद कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत काम आपको आना चाहिए, कैसे करना है, गाइड करने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए, तो ऑटोकैड में हम ये भी बनाएंगे, बना सकते हैं, क्लियर है क्या। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कितने परफेक्शन से आपको बनाना है तो बहुत सिंपल, लेकिन फील होना चाहिए कि हाँ ये एक क्रॉस सेक्शन है। समझ गए सब, आगे बढ़े स्क्रीन में। चलिए गाइस, तो सबके ढक्कन नीचे होने चाहिए और पूरा ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलो तो प्राइमरी सेटिंग कोई भूला तो नहीं, सिद्धांत प्राइमरी सेटिंग बोल दो फास्ट, मेरे लिखने से पहले उसके अंदर बताओ क्विक, मेरे टाइप करने से पहले तुम्हारा हो जाना चाहिए, ये हो गया लिमिट्स, ठीक है। अरे यार मैंने नया कीबोर्ड लाया अभी, लेकिन वो उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ गया, उसको मैं चेंज कर दूंगा। तो लिमिट्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी रख दिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे 5000, 5000 अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तीसरा कमांड याद करो, ग्रिड, ग्रिड के अंदर कहाँ जाना है, लिमिट्स में, फिर क्या करना है, नो और नेक्स्ट, जूम एंटर ऑल, ठीक है। आगे यहाँ तक हो गया, अब मेरा टारगेट है अभी फिलहाल इसको बनाना। ये क्या दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन दिख रहा है हमको। तो क्या लगता है बाहर का चीज कैसे बनेगा, रेक्टेंगल कमांड, आर ई सी दबाया, पहला पॉइंट क्लिक किया, और उसके बाद एट द रेट। अब यहाँ डायमेंशन पता होना चाहिए मुझे, तो डायमेंशन मैं आपको दे रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, ये है आपका 250 by 350 फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट में था उस हिसाब से हम ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 250, 350, क्या ये सही है, एट द रेट लगा दिया, मैंने शुरू में ही लगा दिया था, एट द रेट लगा दिया, एंटर किया, बन गया ये, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंदर में भी बनाना है मेरे को, ध्यान से देखो, ये स्टीरअप बनाना है, स्टीरअप अंदर का स्टीरअप है उसको बनाना है, वो स्टीरअप की कोई मोटाई होगी तो वो जो डायामीटर होता है ना, ये स्टीरअप का जो डायामीटर होता है 8 mm, जनरली आप देखेंगे 8 mm, ठीक है। और ये जो है इसको मैं ले लेता हूँ फिलहाल के लिए 16 mm, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 16 mm, वो तो स्ट्रक्चर डिजाइनर बताएगा, ठीक है। तो अब गाइस अंदर मैं बनाऊंगा पॉलीलाइन से, पॉलीलाइन कमांड पता है आप सबको, PL एंटर करते हैं, आपको याद करो पॉलीलाइन पहला पॉइंट, कहीं भी क्लिक करते हैं, तो मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब विड्थ वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ और उसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग विड्थ कितना लूँ 8 mm, एंडिंग विड्थ कितना लूँ अगेन 8 mm, नॉट, वी आर नॉट मेकिंग एरो गाइज, ये देखो दिख रहा है, समझ आया क्या। अब ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं मस्त आसानी से बना सकता हूँ ना, देखो कर्सर को इधर किया, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो गैप होता है ना, ये रॉड इसके बीच में गैप होता है ना 25 mm का होता है, कितना बोला मैंने 25 mm, ये जो गैप है 25 mm, इसको कवर बोलते हैं, आगे पढ़ोगे आप लोग, कवर चारों तरफ से 25 mm का, तो कितना माइनस करेंगे, कर्सर इधर किया 25 इधर से गाइस, देखो 25 इधर से माइनस किया, तो लेंथ कितना बचा 200, तो ये वाली लंबाई बना रहा हूँ 200, अंदर का रेक्टेंगल बना रहा हूँ ना, देखते जाना, ठीक। नीचे किया कर्सर, 350 है, 25 और 25 माइनस कितना हो गया 300, लिया 300, अरे सॉरी नीचे करना था मेरे को 300, कर्सर इधर किया कितना 200, अच्छा ऐसा क्या,
हाँ कंट्रोल जेड दबा दिया था शायद इसकी वजह से। तो विड्थ में जाते और विड्थ में जाके फिर से स्टार्टिंग विथ 8 एंडिंग विथ 8 ले लिया। अब बनने के लिए तैयार। कर्सर इधर किया कितना 200, कर्सर नीचे किया अब कितना 300, कर्सर इस तरफ किया और कितना 200, और ऊपर जाके क्लिक कर दिया। ध्यान से देखना इधर क्लिक कहाँ हो रहा है, देखो कहाँ हो रहा है क्लिक, बीचों बीच में हो रहा है कि नहीं बीचों बीच में। अच्छा आप बोलोगे सर ये गैप ऐसा क्यों, ये ऐसी बनता है पॉलीलाइन है, वो सेंटर मतलब मिड पकड़ता है, मिड एंड मिड ये पकड़ता है, तो पॉलीलाइन उसकी थिकनेस है। ये तो एकदम सेट दिखेगा लेकिन बाय डिफॉल्ट वो ऐसी दिखेगा, उसको हम ठीक करेंगे। क्लियर है समझ गए यहाँ तक? अब इसको मेरे को अंदर ढकेलना है। मूव कमांड का सारा लूंगा, एम एंटर सेलेक्ट कर दिया है ना, एंटर दबाया और याद करो इसको क्या बोलते हैं, बताया था मैंने ज्योमेट्रिक सेंटर बताया था, याद है कि नहीं? ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ से पकड़ के कहाँ रखना है, ज्योमेट्रिक सेंटर के अंदर। सॉरी यार रीड नहीं किया क्या उसने, मूव कमांड सेलेक्ट किया ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ से ऑन, हाँ अब दिखा ठीक है। और यहाँ जाके फिर से अब मेरे को क्या करना है, इसके बीच में रखना है ऐसा, जब वो दिखेगा तभी रखना गाइस है ना, ध्यान देना। कभी ऐसा नहीं दिखता तो मैंने GEO क्यों टाइप किया, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सेंटर का शॉर्टकट है। याद करो मैंने बोला था एंड पॉइंट, ऐसा कुछ वर्ड बोला था शुरू में हमने पढ़ा था, ओ स्नैप दिखाता हूँ फिर से, ओ एस एंटर करता हूँ, देखते जाना इधर ओ एस एंटर किया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना एंड पॉइंट मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट, तो ये कोडिंग है ENDE MID CEN GEO समझे। तो अगर कभी नहीं दिखे तो फोर्सफुली आप उसमें टाइप कर सकते हो, दिख जाता है, कभी होता है ऐसा ग्रीन कलर ना दिखे तो ठीक है। देखो ऐसा दिख रहा है, सही है ये। अब ध्यान से देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ये कर्व होता है, यहाँ पे दिख रहा है ये कर्व होता है हल्का सा, ये घूमता है, ये कैसा दिखता है देखो, ये ऐसा कर्व होता है ठीक है, कर्व क्यों, क्योंकि रॉड को जब मोड़ते हैं तो बेंड होगा तो वो थोड़ा सा कर्व होगा, तो कर्व शेप मतलब वो फिलेट बोला जाता है, कमांड का नाम है फिलेट। चलिए नया कमांड पढ़ने जा रहे हैं हम, फिलेट FILLET फिलेट FILLET फिलेट, इसका शॉर्टकट क्या है F फिलेट ठीक। तो फिलेट मैंने टाइप करूंगा, ध्यान से देखेंगे सभी, F जैसे ही एंटर करता हूं मैसेज आ रहा है देखो, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट अंडू पॉलीलाइन रेडियस और बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप सबसे पहले याद रखना रेडियस में जाना है, रेडियस में ये क्या करेगा ना, एक कर्व बना के देगा। कैसे बना के देगा देखो, देखो सब लोग एक लाइन ऐसे दिख रही है आपको, ये दो लाइन दिख रही है, इसके बीच में वो क्या बना के देगा, एक ऐसा कर्व बना के देगा, समझ गए, कर्व इसको हटा देगा और एक कर्व बना के देगा। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होना चाहिए ना गाइस, रेडियस तो मेरे को बताना पड़ेगा उसको रेडियस, तब वो काटेगा, नहीं तो जीरो हो गया रेडियस। तो मैं यहाँ रेडियस उसको बता रहा हूँ, कितना देना है रेडियस, जितना आपका वो है ये डाया, ये जो इसकी डाया है 8 mm है, तो उतना ही मैं दे देता हूँ फिलहाल के तौर पे, और एक बार चेक करते हैं कितने में आता है ठीक है। तो रेडियस में गया और रेडियस कितना दिया मैंने 8 mm लिखा, एंटर दबाया, और अब मेरे को कहाँ पर जाना है ध्यान से दुखना, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है पॉलीलाइन गाइस, पॉलीलाइन आप इसके अंदर जाके भी रेडियस दे सकते थे। पॉलीलाइन का मतलब क्या होता है बताओ तो, पॉलीलाइन इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है ना, एक रेक्टेंगल क्या है पॉलीलाइन है, तो क्या ये रेक्टेंगल है, हाँ ये रेक्टेंगल है, तो ये पॉलीलाइन है, और किससे बना है, पॉलीलाइन कमांड से बना है, तो भी ये पॉलीलाइन कहलाएगा ठीक है। तो मैं अब पॉलीलाइन कमांड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे बोल रहा है रेडियस देने, ऑलरेडी मैं रेडियस दे चुका हूँ, मैं इसमें आके एक बार फिर से चेक करता हूँ तो आपको दिखेगा 8 का रेडियस है, बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं। तो आप रेडियस उधर भी दे सकते हो बाहर भी, या तो अंदर भी दे सकते हो ठीक है। और अब बोलता है एंटर दबाया, फिर बोलता है सेलेक्ट 2D पॉलीलाइन को सेलेक्ट करो बोल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा देखो ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने वाला हूँ अभी किया नहीं, जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ देखो कट मार दिया, यहाँ से कट कर दिया, देखो कितने स्मूथली यहाँ पे फिनिश दिया है ऐसा, अब लग रहा है रॉड रीइंफोर्समेंट। और याद करो मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि ये रॉड है ना एक्चुअली घूमता कैसे, इसको समझना, ड्राइंग समझना बहुत जरूरी है। आप BBS अभी पढ़े नहीं हो ना इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप खूब समझ जाते हैं। ये रॉड ऐसे मुड़ती है ना, एक स्वर में मुड़ रही है, वो एक ही रॉड है उसको ऐसे मुड़ते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ निकला है ना, इसको बोलते हैं हुक, क्या बोलते हैं हुक, या फिर इसको लेग भी बोला जाता है, लेग टू लेग्ड स्टीरअप ऐसा सुना होगा आपने, तो टू लेग्ड जैसा कहलाता है ये, टू लेग कहलाएगा ठीक। तो मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, इसको जुगाड़ से बनाया ठीक है, इसको जुगाड़ से मतलब पॉलीलाइन लिया, पहला पॉइंट कहीं भी रैंडम क्लिक किया, देखो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पॉलीलाइन,
वो 8 mm ऑलरेडी है विड्थ, चलने दो उसको। ऑर्थो को थोड़ी देर के लिए बंद किया और देखो हल्का सा इसकी हुक की लंबाई होती है, आप पढ़ेंगे आगे चल के 10D 12D ऐसा होती है, 10 times ऑफ डायामीटर ऐसा होता है, लेकिन अभी मैं लमसम ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। और लमसम मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, एंटर करके बाहर निकला और एंटर किया बाहर निकला। अब मूव कमांड लेके, ध्यान देना, मूव कमांड लेके यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, दिख रहा है। और मिरर कर सकते हैं क्या, MI मिरर कमांड, याद को मिरर सेलेक्ट किया और मिरर करके ये यहाँ से कहीं से सेंटर से मिरर कर दिया इस तरीके से, एंटर दबाया, एस क्लियर है, एंटर एक्सेप्ट नहीं किया था, एंटर दबाया तो हो गया, क्लियर है। और अब चार रॉड बनाने, मेरे को देखो रॉड दिख रही है, चार रॉड बनाना है। तो एक नया कमांड पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डू नट DONUT डोनट, ठीक है। आप इसको खाते हो तो क्या बोलते हो, डोनट डोनट, ठीक है, जो बोलना बोलो, इसका शॉर्टकट है DO। एक डायग्राम ऐसे बनाना, एक ऐसा सर्कल बनाना, एक छोटा सर्कल बनाना और यहाँ पे कलर भर देना इसको, ऐसा कलर भर देना, ये देखो याद है स्विमिंग पूल में एक ट्यूब जैसा होता है, ट्यूब ऐसे दिखता है ट्यूब, ठीक, टॉप व्यू से ऐसे दिखेगा। तो डोनट ऐसा कुछ बनाएगा, या डोनट ऐसा भी बन सकता है सर्कल की तरह, या फिर इसको पूरा कलर्ड फील्ड भी बना सकते हैं। दिस इज डोनट, बताता हूँ कैसे, बहुत सिंपल है, लिख लिए कमांड का नाम, गाइस ध्यान देंगे इधर सभी, DO एंटर दबाया, DO एंटर दबाया, DO एंटर दबाया। और यहाँ पे ध्यान से देखना, मैसेज बोलता है स्पेसिफाई इनसाइड डाया ऑफ डोनट, इनसाइड डाया, देखना इधर ध्यान से, इनसाइड डाया का मतलब ये वाला है, I5 लिख रहा हूँ इनसाइड डाया, और ये वाला जो है ना क्या कहलाएगा, आउटसाइड डाया, क्लियर है क्या, इनसाइड डाया आउटसाइड डाया। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे गाइस, इनसाइड डाया ले रहा हूँ 0, अभी फिलहाल के देखो 0 लिया इनसाइड डाया, और आउटसाइड डाया ले रहा हूँ जितना मेरा डायामीटर का आउटसाइड डाया है, 16 mm लिख दूँ, 16 लिखा, एंटर दबाया, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, जूम करता हूँ और यहाँ पे आपको ऐसे पकड़ के इसको रखना है, क्योंकि यहाँ थोड़ी ना रहेगा, वो बंधा हुआ रहता है ना, रख दिया, दिख रहा है, बन गया। सेम आप यहाँ आके इसको क्लिक कर सकते हो, बार बार क्लिक कर सकते हो, देखो जितना चाहे क्लिक कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे को, एंटर दबाया, इसको डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ बन गया। अब क्या इसको मिरर कर सकते हैं, देखो मिरर कैसे करते हैं, MI यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसको ऐसे करके इसको सेलेक्ट किया अच्छे से, तो क्या क्या सेलेक्ट, अच्छा ये भी सेलेक्ट हो गया, ध्यान देंगे, मिरर कमांड लिया, फिर से इसको अच्छे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और जूम करके इसको सेलेक्ट किया, और उसके बाद एंटर दबाना पड़ता है मिरर के लिए, और उसके बाद फर्स्ट मिरर पॉइंट बोल रहा है, तो आप ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसको क्लिक किया, ये देखो ऑर्थो मेरा ऑन है क्या, नहीं है, तो हवे में चल रहा है वो, ऑर्थो ऑन किया तो देखो मस्त अच्छे से सेट हुआ, क्लिक किया, एंटर दबाया और देखो चारों तरफ बन गया, क्लियर है सबको। इस तरीके से बनाया जाता है। तो मैंने क्या क्या कमांड यूज़ किया, रेक्टेंगल, पॉलीलाइन, डोनट, फिलेट, चार कमांड लिया, बन गया ये। इसी तरीके से आप इसको भी बना सकते हो ना, ये वाला बना सकते हैं सब, क्लियर है क्या, प्लीज़ बना के दिखाएंगे, चलो